नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख ऐतिहासिक स्थल का नाम, साथ ही वह स्थल कहाँ स्थित है उस जगह का भी नाम याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत बार एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है अजंता और एलोरा, ये दोनों फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? ये औरंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। और ये औरंगाबाद कहाँ है फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन कहाँ है फ्रेंड्स? कोलकाता में। शांति निकेतन कोलकाता में है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला है फ्रेंड्स विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। और आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। हम्पी, हम्पी फ्रेंड्स कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अगला है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है एलिफेंटा, ठीक है। एलिफेंटा तो ये भी मुंबई में है, ठीक है। एलिफेंटा मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में है, मुंबई में, ठीक है। अगला है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली में, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स डल झील। तो डल झील कहाँ है फ्रेंड्स? डल झील श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स सारनाथ, ठीक है। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है। अगला है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप कहाँ है फ्रेंड्स? भोपाल में है। अगला है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? उड़ीसा में है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? कोणार्क में है। और ये कोणार्क कहाँ है फ्रेंड्स? आपको बताना है कोणार्क कहाँ पड़ता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, तो आपको बताना है कोणार्क कहाँ पड़ता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोणार्क जो है उड़ीसा में पड़ता है। आप किसी और क्वेश्चन का आंसर दे देना। अगला है फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? एलोरा में, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर फ्रेंड्स मदुरई में स्थित है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है नटराज मंदिर। तो नटराज मंदिर फ्रेंड्स चिदम्बरम में पड़ता है और ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है। अगला है वेंकटेश्वर मंदिर। तो ये तिरुपति में पड़ता है और ये तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और ये अमृतसर कहाँ है फ्रेंड्स? पंजाब में है। अगला है फ्रेंड्स अमरनाथ मंदिर। तो अमरनाथ मंदिर कहाँ है? श्रीनगर में, ठीक है। अगला है जगन्नाथ मंदिर। तो ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये पुरी में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। पुरी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट है। वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला है ढाई दिन का झोपड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये अजमेर में है, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि अजमेर कहाँ पड़ता है, ठीक है। किस राज्य में पड़ता है अजमेर, आपको बताना है। अगला है फ्रेंड्स खजुराहो का मंदिर, ठीक है। अगला है खजुराहो का मंदिर। तो खजुराहो का मंदिर जो है छतरपुर में पड़ता है, ठीक है। अगला है हवा महल। तो हवा महल कहाँ है फ्रेंड्स? हवा महल जयपुर में है। और ये छतरपुर जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला है झूलता मीनार। तो झूलता मीनार कहाँ है फ्रेंड्स? अहमदाबाद में। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतिम क्वेश्चन है कि कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।